लद्दाख धरती पर दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर प्रांत का भूभाग है। समुद्र तल से 9,800 फुट की ऊंचाई पर बसा लेह अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाओं की वादियों में बसा लद्दाख प्राचीन सिंधु सभ्यता का दुनिया में सर्वाधिक समृद्ध और जीवंत उदाहरण माना जाता है। नीले निर्मल जल की धारा युक्त सिंधु नदी प्राचीन सिंधु सभ्यता की मूक गवाह है। लद्दाख में रहने वाले नागरिकों के लिए आज भी सिंधु नदी जीवन रेखा मानी जाती है। सिंधु महोत्सव और सिंधु दर्शन यहाँ की संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं। लद्दाख सामाजिक एकता और समरसता की अनूठी मिसाल है। लेह में 77% बौद्धों की आबादी है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के साथ भी गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है, जो भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की सांझी विरासत को मजबूत करती है। बौद्ध धर्म में कर्म को जन्म से महान माना गया है और बुद्धम शरणम गच्छामि इस धर्म की मूल अवधारणा है। मानव सेवा ही इस धर्म का परम सिद्धांत है। बौद्ध नागरिकों की सेवा में लगा नेत्र शिविर मानव सेवा का अनुपम उदाहरण है, जहां हजारों लद्दाखी लाभ उठाते देखे जा सकते हैं। इस शिविर का आयोजन ड्रुक गवा मॉनेस्ट्री द्वारा किया गया है। जनरली स्पीकिंग, द आईज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट विजन देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ एनीवे। यू मे हैव एवरीथिंग बट देयर इज नो विजन, सो यू डोंट रियली हैव एनी लाइफ। So this is the reason why I was very, very happy. Today I am considering this day to be a happiest day for me, because I have seen so many people, and I was told that the Dr. Ruid was, you know, an amazing doctor, that he really did so many good jobs, like so many of patients, like 60 or 70 patients, they have opened their eyes. He has opened their eyes. This is the vision of my religion. I don't have any religion, I don't have any sort of ism or whatever, but my ism, my religion, my life is dedicated for helping people in any sort of form, and especially to give the eyes, to give the ear, to give the legs, to give the life. That's all, that's the, my sort of vow that I can sort of take for my life. Leh mein rehne wale Bodh Nagrik भारत और तिब्बत की साझा सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत मिसाल हैं। इनकी वेशभूषा और संस्कृति एक वैश्विक धरोहर कही जा सकती है। हेमिस मॉनेस्ट्री में आयोजित 5वें वार्षिक ड्रुक गवा काउंसिल के दौरान बौद्ध भिक्षुकों द्वारा विशेष शैली में किया गया नृत्य और उनका संगीत मन को मोह लेता है।
ड्रुकपा मान्यता के अनुसार इस नृत्य में अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा है, जिसमें शहनाई और ड्रम मुख्य वाद्य यंत्र हैं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बौद्ध चक्र तथा दो ड्रैगन नृत्य के माध्यम से दुनिया को सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। स्त्रियों की आवाज को परंपरागत तौर पर बौद्ध धर्म सहित सभी धर्मों में दबाया जाता रहा है। 800 वर्ष प्राचीन ड्रुकपा या ड्रैगन, जिनके प्रधान ड्रुक गावा खिलवा यानी DGK हैं, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने का संकल्प लिया। आमतौर पर भिक्षुणियां बौद्ध मठों में केवल उबाऊ घरेलू कार्यों में ही संलिप्त रहती थीं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्रुक गावा खिलवा मठ अपनी भिक्षुणियों को भौतिक एवं शारीरिक कलाओं के साथ साथ कुंग फू एवं ध्यान साधना के लिए भी प्रशिक्षित करता है। कुंग फू ने भिक्षुणियों को आत्मविश्वास दिया है और ये ध्यान साधना में भी सहायक है। वे अब आश्वस्त हैं कि अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाती है। आपको नन बने हुए कितने साल हो गए? आठ साल हो रहे हैं। तो कैसे, किसने आपको इंस्पायर किया नन बनने के लिए? नहीं, मैं खुद ही आई। खुद ही आए? क्यों, घर में अच्छा नहीं लगता था? नहीं, घर में तो बहुत अच्छा था ना। हम दो ही थे, मैं और मेरी यंगर सिस्टर, तो हम दो नहीं तो नहीं है। फिर मतलब कि स्टूडेंट टाइम पे हम उतना फ्री नहीं होता ना दूसरों के लिए करने का, सिर्फ अपने इस बारे में सोचते हैं कैसे पढ़ाई करें, कब जॉब लगेगा। जॉब लगेगा भी तो खुद के लिए होता है ना, दूसरों को तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसे। फिर इसीलिए मतलब कि जब नन्स बन जाते हैं तो सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हैं। मेडिटेशन होगा, पूजा करेंगे दूसरों के लिए, वही नन्स में ही ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादातर हम नन्स में बन के कर सकते हैं वो। तो आपके पेरेंट्स को बुरा नहीं लगा कि आप नन बनना चाहते हैं? बुरा तो लगा, पापा नहीं भेज रहे थे।
voices of women have traditionally been muted in all religions, including Buddhism. Nuns have usually carried out only household chores in Buddhist monasteries. The Druk Gawa Khilwa nunnery teaches these nuns martial arts as well as meditation as a means of empowering the young women. The nuns of DGK who come from far-off places as Assam, Tibet and Kashmir are also taught basic business skills. These nuns exhibit tremendous self-confidence and strength, not only in their day-to-day life, but also in their attitude towards people outside their own community. His Holiness Gyalwang Drukpa says, "I hope to raise awareness about gender equality and the need for the empowerment of women."
भौगोलिक परिस्थिति काफी जटिल है। सूखी पर्वतमालाएं पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ के नागरिकों के लिए चिंता का विषय हैं। ड्रुकपा मॉनेस्ट्री ने क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण का बीड़ा उठाया है ताकि ऑक्सीजन का उच्चतम स्तर बना रहे और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो। About the compassion and peace, and also compassion that the Buddhists always talk about is not a partial compassion. And some other believers, they talk about the compassion which is maybe very much to do with a human compassion. Let's say you have to be compassionate to
your mother, your father, your parents, those of you who are, those of people who are very kind to you, you have to be compassionate. But those people who are, those beings who are not really compassionate towards to you, you can kill, you can, you know, do something like that. Or maybe some of the description of compassion is saying that, you know, the fish is something that you don't have to be compassionate, because fish is something that we have to eat, that the God has given us to eat. Or the animals are not something that you have to be considered about, and the only human being. And some people, I mean, these are not really necessarily a religion, but some, they think, you know, all the living beings are very important, but trees are not really considered to be a living being. They think the trees, you can cut, you can do whatever you want with the tree, you can cut and everything. But the Buddhist, or the Buddha Shakyamuni at least, said that trees and all the plantations need to be respected. So entire phenomena, anyway, I would say, entire living beings, including the trees and grass, all has to be respected. Because the reason why we have to respect is that they can help us, and we can help us help them. Sorry. So of course they are like a, what do you call that? We have interdependent. We have to be interdependent. बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ. आज इस धर्म के अनुयायी समूची दुनिया में हैं. यहां तक कि दुनिया के कई छोटे बड़े राष्ट्रों की पहचान बौद्ध राष्ट्र के रूप में की जाती है. बौद्ध भिक्षुओं ने अपने अनुयायियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं. आज समय की मांग है कि महात्मा बुद्ध की महान वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि दुनिया में जात पात को छोड़कर कर्म की महानता हो.